Hello everybody, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss about sure shot questions for class 12th physics. And in this series, we will cover up 2 marks question. Guys, these questions are very important. These will include all the concepts of physics based on 2 marks questions. Okay, so without wasting any time, let's get started. If you are new to our channel, don't forget to subscribe this channel and turn on the bell notification ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें. अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फिजिक्स एग्जामिनेशन के अंदर आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी ध्यान दे दें एज वेल एज थ्योरम. ओके, सो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद उनके ऊपर ट्राई करना होगा क्वेश्चंस को. सो आज के ये क्वेश्चंस जो हमारे सामने हैं, ये सभी क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं सभी चैप्टर्स के अंदर क्लास 12th की, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके सामने 2 मार्क्स ही क्वेश्चन हो फिजिक्स में, वो क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओ, इजीली अटेम्प्ट कर पाओ. बिकॉज ये क्वेश्चंस जो हैं उस तरह के सभी क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं जैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा. ओके, सो वन ऑफ ऑल एक चीज़ ये देखनी है आपको कि आपको 1 मार्क क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड आज हम 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रिक्वेस्ट यू कि ये जो क्वेश्चन है ये प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड ये क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉइंट चार्जेस प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इफ. जो ए पार्ट है, द स्पेयर इज रिप्लेस्ड बाय अ क्यूब ऑफ सेम और डिफरेंट वॉल्यूम. बी, अ सेकंड चार्ज इज प्लेस्ड नियर एंड आउटसाइड द ओरिजिनल स्पेयर. सी, अ सेकंड चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द स्पेयर. एंड डी, द ओरिजिनल चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल. एंड द नेक्स्ट वन इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. द नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं. आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज आउट करना है बार बार एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सॉल्व देम. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसमें मैं बताना है कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी. एक्सप्लेन चेंजेस, अगर कोई चेंज होता है तो चार्ज में क्या चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज होगा, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. सो चार्ज रिमेन अनचार्ज्ड. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होता है हमारा कैपेसिटेंस. ओके, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी डिक्रीजेस. यू यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 qv² विच ऑल्सो डिक्रीजेस. नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में फिजिक्स के ईयर बाय ईयर ये पूछा जाता है. जो थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शो दैट नो ट्रांसलेटर फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट. टॉर्क की आपको डेरिवेशन यानी कि टॉर्क का जो थ्योरम है वो इजीली आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है और ये सारे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो सारे कॉन्सेप्ट को ये लोग कवर अप करते हैं. आई गेस कि आप लोग जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो समझ रहे होगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रस्ट करो एंड आप उसके बाद उन क्वेश्चंस को करो. वो क्वेश्चंस करने उतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बिकॉज वो न्यूमेरिकल्स होते हैं एक तरीके से. ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन फॉर अ कंडक्टर. एक सेकेंड, डिफाइन द टर्म रेसिस्टिविटी. नाउ द टर्म रेसिस्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको इसकी यूनिट जो कि ओम होती है, ओम मीटर, वो आपको पता होनी चाहिए एंड इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं और किस तरीके से इसका जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी. आर इज इक्वल टू रो 1/A. देन सेकेंड, यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो है क्वेश्चन अबाउट आई गेस पोटेंशियोमीटर के बारे में. ओके, पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं. ट्रस्ट मी, पोटेंशियोमीटर से बहुत इजीली क्वेश्चंस आते हैं. जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं वो होते हैं किरचॉफ्स लॉ के, जो आपको हमेशा याद रखने हैं. डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन आई ए. देन दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स करंट फ्लोइंग इन द लूप एंड एरिया ऑफ लूप. इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एम इज इक्वल टू ई वी आर बाय 2. नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. I was is the applied magnetic field intensity H and for 2 magnetic materials A and B. Okay, identify the material A and B. आपको पता करना है कौन से material
ए और बी कौन से मटेरियल से, ठीक है। तो ए और बी मटेरियल हैं, ए इज़ पैरामैग्नेटिक एंड बी इज़ डायमैग्नेटिक, बिकॉज यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं कि किसकी तरफ उसका जो जोर है, यानी कि किस तरफ उसका जो भाव है वो ज़्यादा है, यानी ए वाला पार्ट जो है आपके आई के पास ज़्यादा पहुँच रहा है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के पास ज़्यादा पहुँच रहा है, एंड बी वाला पार्ट जो है वो आपके अपोजिट साइड में ज़्यादा पहुँच रहा है। तो इसका मतलब है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर एक डायग्राम आपको बताने के लिए बोला, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ सस्पेक्टिबिलिटी विद टेम्परेचर फॉर बी। बी अगर डायमैग्नेटिक है तो टेम्परेचर के साथ उसका क्या डायग्राम बनेगा, क्या ग्राफ बनेगा, वो आपको बताना है। हाउ डज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल चार्ज वेन चेंज वेन, सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आप डायग्राम भी बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम भी आपको, अदरवाइज सॉल्यूशंस यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। एंड इंडक्टर एल ऑफ रेसिस्टेंस एक्स XL is connected in series with a bulb B to an AC source as shown in the figure. Briefly explain how does the brightness of the bulb change when number of turns of the indicator is reduced. A capacitor of resistance XC is equal to XL is included series in the same circuit. Now answer is in front of you. बहुत ईजी हैं ये क्वेश्चंस, जो भी रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं एक तरीके से, उन क्वेश्चंस के फॉर्मूला होते हैं कुछ बेसिकली, उन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, सिर्फ पुटअप करना है और वो क्वेश्चंस आपके ईजिली हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रैंड्स फॉर द ऑफ फाइन क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्स कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्ट्रैंड्स। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो दे डू नॉट सफर एनी लॉस। इसके यूजेस क्या होते हैं, गिव देयर वन यूज, द क्वेश्चन इज गिव देयर वन यूज। सो यूजेस होते हैं, द ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस दैट इट वन कैन एग्जामिन द इनसाइड व्यू ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन बाय अ मेथड कॉल्ड एंडोस्कोपी। ओके, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से थ्योरी वाइज भी आपके क्वेश्चन आते हैं सेकंड टू मार्क्स क्वेश्चन में, एंड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये वही उसको इंक्लूड करता है। यंग स्टेबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ जो है कैसे चेंज होती है, जब लाइट ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी जो यूज़ हुई है एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डिक्रीज कर दिया गया है उनके बीच में डिस्टेंस दोनों जो स्लिट्स एक्सपेरिमेंट यानी फ्रिंज विड्थ के अंदर। सो यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट अप करना है और आपको जनरली एक रीजनिंग आंसर देना है कि किस तरीके से वो इंक्रीज होगा, किस तरीके से डिक्रीज होगा। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू 3.1 न्यूटन कोलम कॉस 1.8 y प्लस 5.4 इंटू 10^6। वट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वट इज द वेव लेंथ, वट इज द फ्रिक्वेंसी एंड वट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। आप देख सकते हो सबसे ये कैलकुलेट करने से निकलेंगी। एंड वन मोर थिंग, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। एंड एक और चीज़, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो उसको अप्लाई करना आना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज अप्लाई करने के लिए आपको चीज़ें यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंस। नाउ टू मार्क्स क्वेश्चन में डिफरेंस भी आते हैं, काफ़ी अलग अलग डिफरेंस आपकी बुक पे दिए हुए हैं, काफ़ी चीज़ों के बीच में कॉम्पिटिशन लगा रहता है कि मतलब कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा अच्छी है। बट यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है, दो मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस ऑकर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइटिंग कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, इट इज to superposition of the waves coming from different parts of same wavefront. Now main difference is same वेव फ्रंट, यानी सेम चीज़ से आ रही है डिफ्रैक्शन जो होती है, इंटरफेरेंस वो होती है दो डिफरेंट सोर्सेज से लाइट आती है सुपर पोजिशन में। ओके, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, जो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं वो सारे इक्वल फ्रीक्वेंसी के होते हैं इन इंटरफेरेंस, बट इन डिफ्रैक्शन द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्रिंज ब्राइट फ्रिंजेस। हाउ द एंगुलर सेपरेशन एंड विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन यंग विल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंज व्हेन स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स विड्थ ऑफ द सोर्स लेंस इज इंक्रीज। तो उसके सामने आपका आंसर है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, गाइस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको बनाना आना चाहिए दोनों के बीच में किस तरीके से डिफरेंटली आप बनाओगे, एंड इनके फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एडवांटेज क्या क्या होते हैं हमारे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, इट इज़ फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशन एंड इट्स रिजॉल्विंग पावर इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ड्यू टू लार्जर अपर्चर ऑफ मिरर। ओके, नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज क्या क्या हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यहाँ पे मैंने आपको चारों लॉज लिखे हुए हैं और इसी तरीके से आपको चारों लिखने हैं। मेन थिंग इज आपको आने चाहिए लॉ जो भी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लॉ है इनका क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर आपको
एक मार्क में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज दो मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज अगर ज़्यादा लीनियंट मार्किंग हुई तो आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस चीज़ को नोट जरूर कर लो. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए. आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसके स्क्रीन शॉट्स ले लें एंड इनके स्नैप निकाल के प्रिंट आउट कर दें. ओके, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ बोर्स अटोमिक मॉडल. बोर्स अटोमिक मॉडल के क्या क्या लिमिटेशन थे. इट डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑन एटम. इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सेकंड इज अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज. आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए कि आपका रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस है वो किस तरीके से काम करेगा. ये अल्फा बीटा ठीक है गामा, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आपके इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में जो डायग्राम है वो आपको बताना होगा. नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के डायोड्स बना दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है. ओके, तो फॉरवर्ड और रिवर्स में बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि कितने कितने वोल्ट का यानी कितने कितने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे गिवन है और आप इजीली इनके बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो. नेक्स्ट है डिटरमाइन द करंट्स थ्रू रेसिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट. नाउ दीज आर सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, आपको बस इतना पता करना है आई इज इक्वल टू वी बाई आर, बस सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है आंसर आ जाएगा आपके सामने. नाउ ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम आई गेस आपके कम्युनिकेशन सिस्टम वाले चैप्टर में है तो वहाँ पर आपको ये ब्लॉक डायग्राम इजीली याद रखना है. जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ब्लॉक मिसिंग है और दो ब्लॉक पूरे मिसिंग है, उन दो ब्लॉक्स का आपको नाम बताना है. तो दो ब्लॉक का है एक्स इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड वाई इज पावर एम्पलीफायर. ओके, राइट टू फैक्टर जस्टिफाइंग द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल. क्या नीड्स होती हैं कि मॉड्यूलेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल की, उसके दो फैक्टर्स हमें बताने हैं. नाउ लॉजिक गेट की क्वेश्चन आते हैं. किरचॉफ रूल्स जो होते हैं, किरचॉफ रूल्स जो हैं वो क्या है, एक तरीके से किरचॉफ करंट जंक्शन रूल है एक, तो एक है किरचॉफ का लूप रूल. दोनों के बीच में डिफरेंस ठीक है, दोनों के एग्जांपल्स एक तरीके से आपको बताने हैं और परफेक्ट रीजन देना है, एक्यूरेट रीजन देना है. ओके, विद दैट सेट इस जो 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन हमने एंड कर लिए. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं. इफ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए एंड आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें. ओके, एंड वन मोर थिंग, इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ हेल्प इन एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू. एंड अगर कोई भी मटीरियल जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन के लिए 3 मार्क्स क्वेश्चन 5 मार्क्स क्वेश्चन किसी भी उसके चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स तीनों में से किसी के भी, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल प्रोवाइड यू. ओके, विद दैट सेड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय.